हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में काफी सारी हायरिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में काफी बड़ी बड़ी हायरिंग अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। सो मैं आपको बताता भी चला जाऊंगा आप किस में कैसे अप्लाई कर सकते हो। सो पहली है नोकिया की तरफ से। तो नोकिया हायर कर रही है ऑटोमेशन इंजीनियर के लिए। बैंगलोर आपकी जॉब लोकेशन होने वाली है। अगर मैं बात करूँ तो देखो, मास्टर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, टेली कम्युनिकेशन, क्लाउड इंजीनियरिंग और अदर रिलेवेंट फील्ड, 0 to 1 year एक्सपीरियंस इन मैनुअल ऑटोमेशन टेस्टिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओएस सिस्टम सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स लाइक प्रोसेस, थ्रेड्स, मेमोरी मैनेजमेंट, सिंक्रोनाइजेशन, एक्सपीरियंस विद यूटीएमटी फ्रेमवर्क। सो बेसिकली 0 to 1 year का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपको ओएस आता है तो आप इसमें इजीली से अप्लाई कर सकते हो। और बस यही रिक्वायरमेंट है। और फ्रेशर्स भी इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली अपॉर्चुनिटी यहाँ पे गूगल की तरफ से। तो गूगल यहाँ पर हायर कर रही है क्लाउड टेक्निकल के लिए। सो क्लाउड टेक्निकल के लिए गूगल की तरफ से हायरिंग निकली है। द क्लाउड एकेडमी इज इंटेंडेड फॉर कैंडिडेट्स हु कैन स्टार्ट इन नवंबर 2023। कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू सबमिट देयर एप्लीकेशन एज सून एज पॉसिबल। सो क्लाउड एकेडमी के लिए एप्लीकेशन आउट हो चुकी है गूगल की तरफ से। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बैचलर्स डिग्री इन रिलीवेंट STEM फील्ड, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम और इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस वर्किंग इन डेटाबेस, वेब टेक्नोलॉजीज, मशीन लर्निंग, AI और क्लाउड फंडामेंटल्स थ्रू सर्टिफिकेशन, इंटर्नशिप, कोर्स वर्क, डिलीवर्ड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इन कस्टमर सर्विस, कम्युनिकेशन लीडरशिप, एबिलिटी टू स्पीक एंड इंग्लिश फ्लुएंटली। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखी गई है एक्सपीरियंस डेवलपिंग प्रोग्राम्स, स्क्रिप्ट्स इन C++, जावा, पाइथन, SQL, एक्सपीरियंस इन इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सपीरियंस हैंडलिंग ट्रबल शूटिंग वेबसाइट यूजिंग HTTP, JSON, API, TCP/IP, DNS वगैरह। ठीक है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगली, और ये इसकी जॉब लोकेशन आपकी गुड़गांव रहने वाली है। अगली अपॉर्चुनिटी यहाँ पे होने वाली है MAQ सॉफ्टवेयर की तरफ से। तो MAQ सॉफ्टवेयर भी यहाँ पर हायर कर रही है। काफी टाइम बाद इनकी हायरिंग निकली है। हायर कर रहे हैं ये लोग, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए ये लोग हायर कर रहे हैं। अगर इस हायरिंग की मैं बात करूँ तो इस हायरिंग में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि डेटा एनालिटिक्स और डेटा एनालिसिस के ऊपर आपको नॉलेज होनी चाहिए। सो अगर आपको पाइथन, डेटा एनालिसिस वगैरह में नॉलेज है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी इन लोगों की तरफ से निकली है। बीटेक BCACIT फ्रॉम Tier 1, BCA, MCA, BSCIT प्लस MCA, BSCCS फ्रॉम MCA फ्रॉम Tier 1 कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट इन लोगों ने रखी हुई है। कंपनी खुद की इसकी औकात नहीं है Tier 1 हायर करने की, लेकिन तब भी इन्हें Tier 1 लिखा हुआ है। अगली हायरिंग अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं जो IBM की तरफ से है। सो IBM हायर कर रही है इंटर्न्स के लिए, इंटर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो इंटर्नशिप के लिए हायर कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है नए बच्चों के लिए। तो 2024-2025 ग्रेजुएट वाले हैं, 24 और 25 वाले, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है आप लोगों के लिए। सो स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज इन सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग स्किल्स, C++, जावा, पाइथन, गो, लैंग, रिएक्ट, JS, ग्रूवी, स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स, नॉलेज ऑफ ओपन स्टैक, सिक्योरिटी विजुलाइजेशन मैनेजमेंट, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, मास्टर्स बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और रिलेवेंट फील्ड। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जो अप्लाई नाउ का बटन है इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इनने एप्लीकेशन का स्टाइल अब थोड़ा सा चेंज कर दिया है IBM वालों ने। पहले इनका क्या था, यहीं के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो जाता था। अब आपको क्या करना पड़ता है कि नो थैंक्स कंटिन्यू टू अप्लाई पे जाना पड़ता है। फिर ये एक प्लेटफॉर्म है KRBS जॉब प्रेसिंग, सो उसके थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ता है। पहले आपको इस पर अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके थ्रू आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। अगली हायरिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं। अगली हायरिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे होने वाली है HDFC बैंक की तरफ से, जो कि नेट बैंकिंग एप्लीकेशन ID ट्रेनिंग फ्रेशर्स के लिए हायर कर रहे हैं। फ्रेशर्स की रिक्वायरमेंट है BTech, BE इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन कंप्यूटर, BSc इन कंप्यूटर, BCA, ये सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगली हायरिंग अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं ACT की तरफ से। तो ACT हायर कर रही है NOC इंजीनियर पुणे, 0 to 2 year ऑफ एक्सपीरियंस, 0 to 3 lakhs पैकेज, पुणे की जॉब लोकेशन होने वाली है। बाकी रिक्वायरमेंट्स आप पढ़ सकते हो, 0 to 1 year ऑफ एक्सपीरियंस इन NOC सपोर्ट ऑफ नेटवर्किंग रिलेटेड प्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ OSI, TCP/IP मॉडल, L2, L3 नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज एंड अदर थिंग्स। ओके, अगली हायरिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे JP Morgan की तरफ से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, VETS इंटर्नशिप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जावा, पाइथन, SRE, डेटा इंजीनियरिंग एंड स्क्रम। और इसके लिए मल्टीपल प्रोफाइल्स के लिए हायर कर रही है, जावा डेवलपर, पाइथन डेवलपर, एजाइल लीड, डेटा इंजीनियर, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, बिग डेटा, डेटा एनालिसिस, प्रोडक्ट एनालिसिस, कंट्रोल लिस्ट इन डिजिटल एनालिटिक्स। काफी सारी प्रोफाइल्स हैं, इसके लिए आप रेफरल ले सकते हो। रेफरल ID दी गई है यहाँ पर, जॉब आइडेंटिफिकेशन नंबर के थ्रू आप रेफरल ले पाओगे। अगली अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एरिक्सन की तरफ से। तो एरिक्सन हायर कर रही है इंजीनियर के लिए, नोएडा जॉब लोकेशन होने वाली है, अप्लाई कर सकते हो आप। डिग्री इन इंजीनियरिंग प्रेफरेबली इन इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, टेली कम्युनिकेशन और इक्विवेलेंट, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी 2G, 3G, 4G, 5G, KPI फॉर्मूले, KPI डिग्रेडेशन, KPI फिक्स, एनालिटिक्स इन एक्स कैपेबिलिटीज की रिक्वायरमेंट इन लोगों ने रखी हुई है। सो आई विल बी पुटिंग आउट ऑल हायरिंग अपॉर्चुनिटीज इन वन आर्टिकल, सो यू कैन अप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।